अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम शारीन है। शारीन, आपने कौन सा प्राइज़ जीता? मैंने डिबेट कंपटीशन में सर्टिफिकेट और अवार्ड लिया है, जो डिबेट कंपटीशन में मैंने डिबेट किया उसके लिए। अच्छा, शहीद बास काकर फाउंडेशन की जानिब से जो ये इवेंट रखा गया, कैसा लगा आपको? उनकी तरफ से जो फंक्शन रखा गया मुझे बहुत पसंद आया। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग हमारे साथ आए और हमारे साथ फंक्शन किया, और हमारा हौसला बढ़ाया कि आगे हम भी कुछ कर सकते हैं। ऐसा हम भी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम SOS विलेज में मौजूद हैं। जैसे कि आज बच्चों का आलमी दिन पूरे वर्ल्ड में मनाया गया, और इसी तरह क्वेटा में भी हमने शहीद बास काकर फाउंडेशन की ज़ेर एहतमाम जो एक इवेंट रखा गया, जिसमें स्पोर्ट गाला भी था, स्पोर्ट टूर्नामेंट भी था, डिबेट कॉन्टेस्ट भी था, और बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। इस पार्टिसिपेशन में एक वेलकम टैबलो भी किया छोटी छोटी परियों ने, जो मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं उनको कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मलाइका है। मलाइका, आपका क्या नाम है? आयशा। आयशा, आपका क्या नाम है? अमल। अमल, आपका? समीना। अच्छा, आप लोग ने वेलकम टैबलो किया, कैसा लगा आप लोगों को? सब जवाब, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयशा है। अच्छा आयशा, कैसा लगा आज हमने यहाँ वर्ल्ड चिल्ड्रन डे मनाया आप लोगों के साथ, मज़ा आया? जी मुझे बहुत मज़ा आया, हम लोग ये वर्ल्ड जीत गए हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं डांस को, डांस किया, टैबलो किया, टैबलो में हम जीते हैं तो हमें एक प्राइज भी मिला था। अच्छा, अच्छा लगा आपको प्राइज? जी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बच्चों के आलमी दिन पर SOS विलेज में मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब डायरेक्टर औरंगज़ेब साहब, जो SOS विलेज में होते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं, शुक्र अल्लाह का। सर क्या कहना चाहेंगे शहीद बास काकर फाउंडेशन की जानिब से जो यहाँ पे इवेंट का इनेकाद किया गया है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आप सबको, शहीद बास काकर साहब की फाउंडेशन को स्पेशल थैंक्स। बच्चों के आपने ख़ुद देख लिया, बच्चों के फेसेस के ऊपर स्माइल, और उनकी वजह बनने का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा इवेंट आपने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया चिल्ड्रन डे के हवाले से, और उसकी सेलिब्रेशन में कोई कमी नहीं छोड़ी। थैंक यू सो मच, वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। आई एम रियली प्लीज्ड एंड ऑनर्ड टू बी टुडे विद यू पीपल। जैसे कि आपको पता है, दुनिया में सबसे अहम चीज़ होती है वक्त, और अगर आप वक्त की पाबंदी करोगे दुनिया में हमेशा तरक्की पाओगे। टाइम इज मनी, दिस इज व्हाट इज टोल्ड इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। सो थैंक यू वेरी मच, आई एम वेरी प्लीज्ड, वेरी ऑनर्ड, थैंक यू। उस्ताद था, लीडर था, वो शहीद बास मोहम्मद काकर था। उन्होंने माशरे को जो मैसेज दिया था, या उनका जो मकसद था, उनका जो मैनिफेस्टो था, वो भी यही था कि इंसानियत का खिदमत जो भी जिस तरीके से कर सकता है, चाहे जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि जो ज़बान के ज़रिए से कर सकता है, या कोई हाथ से कर सकता है, माली तौर पर कर सकता है, जिस तरह माशी तौर पर कर सकता है, शहीद बास मोहम्मद का ये पैगाम था कि इस वतन के लिए, इस अपने मुल्क के लिए, अपनी इस मिट्टी के लिए हर कोई अपनी मदद आपके तहत कोई ना कोई कुछ काम कर ले। तो रिस्पेक्टेड चीफ गेस्ट, SOS Director, mothers and my children, assalamu alaikum. I, Muqaddas Afsa, we all are here to celebrate Children's Day. Children are the creation of God. They spread joy in every season. To chief guest, mothers and my dear friends, assalamu alaikum. We all are very glad and gathered here to celebrate a Children's Day. At this beautiful occasion, I would like to speak on Children's Day, which became very happy and very happiness of the society. Sine kya khoob kaha hai ki tabassum hasi aur kehke, tabassum hasi aur kehke, kho gaye hum bade ho gaye.